प्रातः स्मरणीय संत सम्राट सदगुरु कबीर मंचासीन संत महापुरुषों, सत्संग समारोह में उपस्थित देवियों, बुद्धिजीवियों, धर्म प्रेमी सज्जनों, सदगुरु कबीर तमाम दुनिया के लोगों से उसका परिचय पूछना चाहते हैं। कौन तुम्हारी जाति है, क्या है तुम्हारा नाम, कौन तुम्हारा इष्ट है, कहाँ तुम्हारा ग्राम। पूछते हैं तुम्हारी जाति क्या है और तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारे इष्ट कौन है, क्या हम ब्राह्मण हैं, क्या क्षत्रिय हैं, क्या वैश्य हैं, शूद्र हैं, क्या हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, यहूदी हैं, क्या हम छूत हैं, अछूत हैं, अवर्ण हैं, सवर्ण हैं, नीच हैं, ऊंच हैं, क्या हम बैकवार्ड हैं, फॉरवार्ड हैं, क्या हम गोरा और काला हैं, क्या हम विद्वान और मूर्ख हैं, क्या हम धनी और निर्धन हैं, क्या हम औरत और मर्द हैं, क्या हम हाथ और पैर हैं, क्या हम मुंह नाक कान हैं, क्या हम पेट और पीठ हैं। कुछ नहीं, मैं शुद्ध बुद्ध चेतन जीव आत्मा हूं और कर्मानुसार माँ के गर्भ में जाकर 9 महीना रहकर और ये शरीर साधन लेके मैं बाहर आया। जाति हमारी आत्मा, जीव हमारा नाम, ज्ञान हमारा इष्ट है, गगन हमारा ग्राम। बंधुओं, अब खाना जाना, पीना जाना, रोना जाना, हंसना जाना, अपना जाना, पराया जाना, रुपया जाना, पैसा जाना, घर जाना, द्वार जाना, जिला जाना, थाना जाना, देश जाना, विदेश जाना, और ये सब जाना तो क्या जाना, जब अपने आप को नहीं जाना। Who are you and who am I? अपने बारे में कोई पता ठिकान है? आप कौन है? क्या आप शरीर हैं? अगर आप शरीर हैं तो शरीर को शरीर एक दिन मुर्दा कैसे हो जाता है? आप शरीर में रहने वाले हैं, आप गाड़ी नहीं है, आप चालक हैं। आप नाव नहीं है, आप नाविक हैं। आप घर नहीं है, आप घरवैया हैं। आप चुंदरी नहीं है, आप चुंदरी के बीच में रहने वाली सुंदरी है। जब तक आप इस काया के अंदर हैं, जब तक हम इस काया के अंदर हैं, तभी तक ये आंखें दुनिया को देख रही है, कान दुनिया की बातों को सुन रहा है, नाक सुगंध दुर्गंध ले रहा है, मुंह बोल रहा है, खा रहा है, त्वचा स्पर्श कर रहा है। जिस दिन मैं निकल जाऊंगा, आंख की क्रिया बंद हो जाएगी, कान की क्रिया बंद हो जाएगा, नाक का क्रिया बंद हो जाएगा, मुंह का क्रिया बंद हो जाएगा और त्वचा का क्रिया बंद हो जाएगा और ये शरीर डेड बॉडी होगा और श्मशान में जाके जल के राख। वही तो मैं हूं।
लेकिन आज तक अपने आप से परिचय मनुष्य को नहीं। बंधुओं, आपसे कोई पूछता है, राम सलाम हो गया, कहा भाई साहब क्या हाल चाल है, तो आप कहते हैं क्या कहें, आज मेरी बुद्धि, आज मेरी बुद्धि तर्क नहीं कर रही है। इससे स्पष्ट होता है कि आप अलग हैं और आपकी बुद्धि अलग है, आप बुद्धि नहीं है। जैसे आपसे कोई पूछे कि क्या हाल है, तो आप कहते हैं आज मेरी पत्नी बीमार है। स्पष्ट हो गया आप अलग हैं और आपकी पत्नी अलग है, आप ठीक हैं, आपकी पत्नी बीमार है। वैसे आप कहते हैं आज मेरी बुद्धि तर्क नहीं कर रही है, स्पष्ट है आप अलग हैं और आपकी बुद्धि अलग है, आप बुद्धि भी नहीं है। लोग पूछता है क्या हाल चाल है, तो आप कहते हैं आज मेरा मन ठीक नहीं है, आप मन भी नहीं है, मन से भी आप अलग हैं, आप ठीक हैं, आपका मन ठीक नहीं है। फिर लोग पूछता है क्या हाल है, तो आप कहते हैं आज मेरी बुद्धि तर्क नहीं कर रही है, क्या हाल है, तो आप कहते हैं आज मेरे माथे में दर्द है, आप अलग हैं, आपका माथा अलग है, आप में कोई दर्द नहीं है, आपके माथे में दर्द है, क्या हाल है, तो आप कहते हैं मेरे पेट में दर्द है, आप पेट भी नहीं है, ये शरीर बिल्कुल अलग है। गोस्वामी जी रामायण में लिख दिए प्रकृति पार, प्रकृति से पार, प्रकृति से शरीर बना है, इससे बिल्कुल अलग वो आत्मा है, आत्मा ने केवल इसको सत्ता दिया है अपना। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी ब्रह्म निरीह बिरज अविनाशी, कि तत्व प्रकृति से परे ही आत्मा, लेकिन है सब घट में ब्रह्म निरीह, इसमें कोई अच्छा वासना नहीं है, ब्रह्म निरीह बिरज अविनाशी, ये अविनाशी आत्मा हर घट में, गाय में, भैंस में, कुत्ता में, गीदर में, आदमी में, सब में है। इसी गांव में, इसी शोभा छपरा में, किसी का घर पांच महल का है, कोई तीन महल के, कोई दो महल के, कोई एक महल के, कोई एस्बेस्टस है, कोई टीन के चदरा है, कोई खपरा है, कोई फूस है। फूस में रहने वाला कौन है, बैल की आदमी, फूस में कौन रहता है, बोलिए, फूस के घर में कौन रहता है, नहीं बोल रहे हैं, क्या बात है, अरे फूस के घर में के रहता है, आदमी तो बोल नहीं रहे, पक्का में के रहता है आदमी, आ खपरा में कौन रहता है, आदमी, टीन के चदरा में रहता है आदमी, हर घर जिसके पास जितना पूंजी है वैसा मकान बनाया है और उसी मकान में जाके रहता है। ठीक उसी प्रकार से इस जीव का जितना पूंजी था वैसा मकान इसका भी बन गया है। हर घट में मकान चाहे चीटी के जैसा हो, मकान चाहे विशाल हाथी के जैसा हो, मकान चाहे कुत्ता के जैसा हो, मकान चाहे गीदर के जैसा हो, मकान चाहे औरत के जैसा हो, मकान चाहे मर्द के जैसा हो, मकान चाहे सांप के जैसा हो, मकान चाहे बिल्ली के जैसा हो, लेकिन हर घर में रहने वाला वही आत्मा इंसान है।